हाँ जी जयराम जी, सबको क्या हाल चाल? सबके बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। तो वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हैं, मैं बढ़िया हूँ। यहाँ पे मौज ही कर रहे हैं हम भी। तो भाई आज नई मौज करने जा रहे हैं, एक नया अच्छा शानदार ब्लॉग बनाने बुलेट ट्रेन के ऊपर। तो घर बैठे थे तो रात को निकला हूँ, तो रीज़न तो ये है कि अमित भैया का लेट फ़ोन आया भाई कि मैं निकल चुका हूँ मॉर्निंग में, तो आए तो सीजू को आ जा। मैं यार भैया बहुत दूर कैसे आऊँगा, मुझे चल के थोड़ी आना है, मेट्रो ट्रेन आएगी। मैं भाई बहुत सॉरी, बुलेट ट्रेन आएगी, बुलेट ट्रेन आ रही है। मैं बोलो भाई मैं पहले आऊँ, तो भाई भाग के फटाफट सीनागावा पहुँचा हूँ। सीनागावा से बुलेट ट्रेन है, सीजू का जाना है। तो स्टेशन तो पहुँच गया हूँ मैं, अब यहाँ से टिकट विकट लेके फिर मेट्रो में दिखाता हूँ आपको बुलेट ट्रेन कैसी होती है। देखी हुई तो होगी सबकी, पर भाई स्पीड और वो देख रहा है मुझे कि भाई जापान की टेक्नोलॉजी बोलते ना कि स्पीड इतनी है, ये है और ये है, वही देख रही है बस आज। तो कोई नहीं, और बताना ज़रूर भाई मेरा ब्लॉग कैसा लगा और बुलेट ट्रेन एक्सपीरियंस कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना लास्ट में। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना जिन भाइयों ने नहीं किया, जिन्होंने कर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है सोच समझ करेंगे तो भाई वो भी उनको भी धन्यवाद क्योंकि वो वीडियो देख रहे हैं। तो चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ और चलते हैं मेट्रो स्टेशन के अंदर फटाफट टिकट लेकर मैं बुलेट ट्रेन के अंदर बैठने का। भाई मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए, तो आ जाओ फटाफट। अब बुलेट ट्रेन का गजब ही है, आज की डेट में तो बुलेट ट्रेन में बैठनी है भाई। अंदर सब कुछ है, जिस स्मोकिंग एरिया अलग है, टॉयलेट अलग है, कुछ कोई खाना लेके आया उसको गर्म करना चाहता वो अलग चीज़ है, सब कुछ है। तो ये आएगी हरकत हो जाएगा, धन्यवाद। और एक्सपीरियंस तो लेना चाहिए हर चीज़ का, तो ये है बुलेट ट्रेन का जो मैंने लिया है आज। और तो बता दो ना, खाना वाना कोई गर्म करता हो, जो भी सिस्टम है वॉशरूम का, प्राइवेट रूम का, सब कुछ हर चीज़ का सिस्टम है, पर पेमेंट हर चीज़ का अलग लेना पड़ता है। ये देखो बोल रहे हैं कि क्लियर है सब कुछ, दस रुपये अभी चल पड़ी हमारी बुलेट ट्रेन। ये देखो हाय, ये देखना। वैसे ये बुलेट ट्रेन अपनी नहीं है, ये तो अभी आई है जस्ट, अपनी तो थोड़ी लेट है तो ये दिखाने के लिए ही कि भाई अपना वेटिंग है अभी, तो बोल नहीं पाऊँगा, थोड़ा शोर शराब होगा भाई, तो उसके लिए पहले ही सॉरी बोल देता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि ट्रेन की आवाज़ ज़्यादा रहेगी इस वजह से। ट्रेन आ गई देखो, फाइनली बुलेट ट्रेन का भी एक्सपीरियंस ले लिया अपन ने। कोई नहीं, मज़ा आ गया, पर भाई कुछ भी कहो, अब ढूंढना है अपन को एग्जिट का, तो एग्जिट का है वहाँ पे। तो भाइयों मज़ा आ गया आज, तो सोचा नहीं था इतनी जल्दी बैठ जाऊँ बुलेट ट्रेन में, पर कोई नहीं मज़ा आ गया। तो फाइनली फिर से उसी स्टेशन पे आ गए हम,
बुलेट ट्रेन के लिए, वो क्या है दो स्टेशन आगे और जाना है, क्योंकि वो अमित भैया आ रहे हैं। तो अमित भैया बोले यार मेरा टाइम लग जाएगा तो थोड़ा आधा पौन घंटा, तो मैंने सोचा यार मैं क्या करूँ, बोले काम कर तो दो स्टेशन आगे और आ जा। तो भैया फिर से ये लिए मेट्रो की टिकट, मेट्रो सॉरी बुलेट ट्रेन की, और दो स्टेशन आगे जाना है। ये 23/22 पे आएगी हमारी बुलेट ट्रेन, 13 नंबर प्लेटफॉर्म पे हम। तो भाई आज तो देखना भाई स्पीड देखो, तो अभी ओदावारा है हम और ओदावारा से जा रहे हैं हम, ये कौन सा स्टेशन है, मिसीमा, और मिसीमा मिलेंगे अमित भैया। तो ये जय राम जी भाई, कैसे हो, बढ़िया, ये बढ़िया नींद है यार रात को, तो बहुत लेट 3 बजे पहुंचे यार रात को, यहाँ आती नींद तो सो गए। ये होटल लिया भाई, मैंने एक ड्रेस उड़ दी जापानी ने पहनने के लिए, होटल अच्छा है भाई। बाटा बाटा भाई, तो ये ड्रेस दी उन्होंने, अच्छा पर्दे वर्दे भी बाहर का नजारा देखते हैं क्या है, ब्रो भाई साहब ये तो देखेंगे यार साइड सीन का, ये लोग देखो कितने अच्छे निकले, खुले आगे से भाई ये, ओहो भाई साहब ये पूरा होटल है, ये वहां तक गजब ही है भाई, ये प्रिंस होटल है जापान में। ओ भाई आगे तक ये पूरा शानदार, ये पूरा समुंदर है भाई, भाई साहब क्या ही है, देखा पीछे नजारा, आए मजे, मेरे को भी आए, ऐसी कोई बात नहीं, थक गए यार नींद भी आ रही थी पर एक गए पर कहाँ फंस गए, इसको तो बंद कर दो, एक चीज अच्छी लगी यार यहाँ पे हर चीज देते हैं, ये इस बुकलेट में ये है प्रिंस होटल ओडिशा में, हम इसको रख देता हूँ, जगह तोड़ दे तू बैठ भाई, ये ओडिशा प्रिंस होटल उल्टा हो गया ये, तो इसके अंदर भाई इंफॉर्मेशन देती बस स्टॉपेज का, इनका क्या है चाय वाय का, ये होगा ये इनका पैकेज आ गया पूरा, ये एक गंदी चीज है इनका है, ये टीवी चलाएंगे उसमें चैनल देखने, 1000 ये इनका पहले रिचार्ज कराओ, हम कराएं वो भी ठीक है, लॉकर है ब्लू कलर का उसको लेना था, जा रही है पे करो पहले, फ्री में पानी पानी दिया बस ये इन्होंने प्रिंस होटल एंड रिसोर्ट, रिसोर्ट है पूरा ये, ओ प्रिंस होटल शानदार बढ़िया, देखो इनके लैंप कैसे होते हैं, फट ये दिखाया नहीं हमने, चार्जर पिन दे दी इन्होंने, मोबाइल का दे दिया, नाइट लैंप दे दिया, रूम का जो है ना लाइटिंग कम ज़्यादा वाला वो दे दिया, मोबाइल दे यूएसबी, तो ये आधा इधर कर दे दिया और आधा उधर बैठा दे दिया, वो एक भाई था वो तो निकल गया क्योंकि आज लोड ज़्यादा उस पर काम का, अमित भाई तो कोई नहीं, हम भी रेडी होते हैं फिर निकलते हैं। तो फाइनली ये होटल हमारा, वो निकल रहे हैं, ये भी सिंजुको जाना है, सिंजुको में हमें क्लाइंट को टिकट देनी है, और भाई ये देखो
पे तो इन्हीं की छाप है, साकुरा ही साकुरा है जगह जगह। तो ये है आउटर साइड, ये पूरी पार्किंग है भाई, बहुत बड़ा रिसोर्ट है, जापान का रिसोर्ट, इतना खतरनाक, बड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छी चीज है, ऐसी बात नहीं है। देखो अब हमें जाना है नियर बाई स्टेशन, फिर वहाँ से अपन शिंजुको के लिए वो लेंगे, तो देखते हैं। पूरा ये तो वही है ना गांव है, क्योंकि इसमें कोई अपार्टमेंट कुछ है ही नहीं, पूरे ऊपर कावड़ा रखा है पहाड़ पर। ये भाई टेस्ला के वो है चार्जिंग पॉइंट गाड़ियों के, देखो ये पूरा चार्जिंग उसका है, पार्किंग में भी इसने फैसिलिटी दे दी इसी चार्जिंग की। तो भाई आज का ब्लॉग इतना ही है, विदा लेते हैं आपसे, और भाई जिन्होंने सब्सक्राइब किया उसको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया उनको भी धन्यवाद। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।